में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के वर्चस्व राजा बहादुर गरुड़ ध्वज सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। हमारी खास कवरेज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पे जारी है इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर। जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में सबने सुना ही होगा, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ आए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संग। उन्होंने जाट राजा महेंद्र प्रताप के नाम का एक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास यहां किया था। खूब माना जा रहा था कि इस कदम से जाट समुदाय जो है वो भाजपा की तरफ आएगा लोकदल के गठबंधन से। इस पे चर्चा करने के लिए हमारे संग मुरसान किले हाटरस जिले में जुड़ रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप के वंशज राजा बहादुर मयूर गरुड़ध्वज सिंह। गरुड़ध्वज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। थैंक यू। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। हम आपके आज किले में आए हैं। जैसे मैं कह रहा था कि राजा महेंद्र प्रताप जी के बारे में बहुत चर्चा हो रही है इस विधानसभा चुनाव के दौरान। आप क्या मानते हैं, ये जो यूनिवर्सिटी का शिलान्यास यहाँ हुआ हाथरस के चुनाव पे, यहाँ पश्चिम के चुनाव पे, इसका प्रभाव पड़ा है? देखिए, बिल्कुल पड़ा है। और यूनिवर्सिटी का शिलान्यास मैं समझता हूँ एक ऐसा कदम था जो राजा साहब के सम्मान में भाजपा ने उठाया। एक ऐसा कदम, एक ऐतिहासिक कदम जो भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके बारे में सोचा, जो पिछले 85 वर्ष से कोई अन्य दल इस चीज़ को कभी अपने जहन में नहीं लाया हो, जिस नाम को, जिस शख्सियत को, जिस त्याग और बलिदान को लोग भूल चुके थे, सरकारें भूल चुकी थीं, उस त्याग और बलिदान के प्रति समर्पण दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया एक विश्वविद्यालय की घोषणा का। और मेरे क्षेत्र के लोगों ने, अलीगढ़ आगरा मंडल के लोगों ने, पश्चिम क्षेत्र के लोगों ने और खासकर जाट समाज ने इसको सहर स्वीकारा। एक उत्साह और एक त्यौहार जैसा माहौल था उस समय जब 14 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया, और उसका प्रभाव इन चुनावों में देखने को मिलता है। क्या ये सिर्फ चुनावों के लिए ही था? देखिए, बिल्कुल हम इस बात को नहीं कह सकते हैं कि ये सिर्फ चुनावों के लिए था। ये एक ऐतिहासिक कदम था। जो नाम किसी कॉन्ट्रोवर्सी में हो या लगातार किसी न किसी चीज में लिप्त हो रहा हो, उसको हाईलाइट करके चुनाव में रोमांच डाला जा सकता है, लेकिन जिस इतिहास को लोग भूल चुके थे, किसी ने उसको याद नहीं किया, एक ऐसा नाम जिसने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया हो देश की आज़ादी के लिए, आने वाले भविष्य की शिक्षा के लिए, उस नाम को भाजपा आगे लेके आई, तो ये चुनावी कदम नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको गरुड़ध्वज जी। तो ये थे राजा बहादुर गरुड़ध्वज जी, हमसे बात कर रहे थे अपने मुरसान किले में, अपने एंसेस्टर राजा महेंद्र प्रताप जी के बारे में बता रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि हाथरस जिले में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। कैमरा पर्सन जैना के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज और न्यूज एक्ट।